हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और वहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये जैसे कह रहा कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, ये जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो इस फिगर में दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और जो TCS और भी अलग अलग एजेंसी है दोस्तों जो कंडक्ट कराए, बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों का रीजनिंग का 479 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो वहाँ से इससे पिछले पार्ट को आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSID, FCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBS स्टेनोग्राफर, DRDO, ISRO, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ETC, यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे हरियाणा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दरोगा, सचिवालय, पटवारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों हमने लिख दिया ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि रंगमंच का संबंध लिखा है मनोरंजन, तो उसी प्रकार से मंदिर का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलिएगा, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर रंगमंच में क्या होता है दोस्तों, मनोरंजन होता है, रंगमंच किसको कहा जाता है, जो प्रोग्राम वगैरह होता है दोस्तों, तो वहाँ पर मनोरंजन होता है, तो उसी प्रकार से मंदिर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बेसिक बात को समझिए कि रंगमंच का संबंध लिखा है मनोरंजन, तो उसी प्रकार से मंदिर का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, पूजा हो जाएगा। मंदिर में हम लोग क्या काम करते हैं, पूजा करने का। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, धमाधम स्किप कर देगा। तो देखिए हुआ है क्या, यहाँ पर जैसे 9 है, उसके बाद हम लोग इच्छा, पहले 4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का 4, उसके बाद 9, और फिर लिखा है दोस्तों 20, और फिर इस जगह पर लिखा है 44, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये देखिएगा लॉजिक लगाया क्या उसने, कि 4 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 9 पे, तो आप इसमें कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 5 जोड़ेंगे, जैसे ही 5 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों, तो इस पे उसने क्या किया है, 11 जोड़ा है। 20 से यदि आप 44 पे जाएंगे दोस्तों, तो इस पे उसने क्या किया है, 24 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 44 से यदि आप इस पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा, तो देखिएगा यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया उसने, ये देखिए कि 5 के बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों, 11 पे जा रहा है, 5 के बाद यहाँ पर 11 हुआ, तो उसने क्या किया है, गुना 2 किया है। देखिए गुना 2 कर देंगे आप, प्लस 1 कर देंगे, तो 5 × 2 = 10, और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए, यानी यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, रुक जाइए, कि प्लस क्या कर दिया है, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हम लोगों का कितना क्या है, 1। उसी प्रकार से देखिए 11 से यदि 24 पे जाएंगे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, गुना 2 कर दिया, तो 11 × 2 = 22, आप प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। तो उसी प्रकार से अगला जो इस जगह पर आएगा दोस्तों, यानी गुना 2,
प्लस वन गुना दो प्लस दो, इस प्रकार से यहाँ पर गुना दो हो जाएगा और प्लस इस जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का तीन हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो 24 दुना 48 और तीन यहाँ पर जो करेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो जैसे ही 51 इस जगह पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 4 9 इधर 4 1 5, तो 95 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, अभी TCS ने पूछा था, जो एक एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक बात को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते, उसने क्या किया पहले जोड़ लिया, जितना जोड़ा उसके बाद देखिए गुना दो प्लस वन गुना दो प्लस दो गुना दो प्लस तीन, इस तरीके से सीरीज को बढ़ाया आगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, हर एक प्रश्न को आपको एकदम अपने से प्रयास करते हुए चलना है, कर दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, जब फिगर को पानी में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वही पूछा जा रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि इस जगह पर आप यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, यानी जल जो रहता है तो जस्ट नीचे लगा देते हैं, यानी कि इस प्रकार से आप क्या लगा देंगे दोस्तों, जल लगा देंगे। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, फिगर वैसा बनेगा। तो देखिए जैसा है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर बना देते हैं कि इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से त्रिभुज बनेगा, और उसी प्रकार से इसमें बनेगा, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर ऐसा कर देंगे और एक त्रिभुज यहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का बनेगा। तो देखिए इस तरीके से बनेगा, और इसमें पेंट वाला भाग कहाँ पर चला जाएगा, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, यानी एक पेंट वाला भाग इस जगह पर हो जाएगा और एक पेंट वाला भाग कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। तो दो जगह इस प्रकार से पेंट वाला भाग जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, इसमें तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात को समझिए। उसने कहा है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि फिगर क्या होता है, पलट जाता है, यानी जैसा फिगर है, आप जानते हैं कि कुआं में जब फिगर अपना देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उल्टा नजर आता है। तो उसी प्रकार से जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट कर लेना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, कर दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए काउंट करके बताइए, ये देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा एक, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, और यहाँ से जब इसको करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, पाँच हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, पाँच है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, रट के बैठते हैं कि मैक्सिमम जहाँ होगा तो वहीं मार देंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते ही कह दिया कि छः होगा, बस ऐसे कीजिएगा और ऐसे एग्जामिनर करेगा। तो बेसिक बात को समझ लीजिए कि रटने से नहीं होगा, बल्कि समझना होगा, चाहे फिगर छोटा रहे, हार्ड रहे, कठिन रहे, हर टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। इसीलिए आपको बोले कि चैनल पर जाके यदि आप पार्ट वन से दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं, तो हर एक टाइप, चाहे ट्रायंगल हो, वर्ग हो, चतुर्भुज, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। पार्ट वन से स्टार्ट करके यदि आप सारे पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन हमने करवा दिया। देखिए पहले लिस्ट में जाके एनालॉजी का चल रहा है, उसके बाद बहुत जल्द अगला चैप्टर भी स्टार्ट होगा। इस तरीके से हमने चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं, और मिक्स क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान पर आएगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर आएगा, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए बता देते हैं दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ पर अगर आप सीरीज को देखेंगे ना, तो किस तरीके से चला अब हम बताते हैं कि यहाँ पर बिंदा का प्रयोग, जितना बार ये जो देख रहे हैं दोस्तों बिंदु, यानी एक बिंदु दो बिंदु, इधर हो जाएगा तीन, और इधर हो जाएगा हम लोगों का तीन तीन छः एक सात आठ, यहाँ पर देखा जाए तो आठ बिंदु का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से तीन तीन छः एक, यहाँ पर सात बिंदु का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से तीन दो पाँच एक छः, यहाँ पर छः बिंदु का प्रयोग किया है। तो अगला जो आएगा पाँच बिंदु का प्रयोग, देखिए इसमें देखेंगे तो एक दो तीन, यहाँ पर चार बिंदु का, उसी प्रकार से इसमें तीन बिंदु का। तो अगला जो इस जगह आएगा सर पाँच बिंदु वाला, तो पाँच बिंदु वाला किस में, देखिए तीन और दो पाँच, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस जगह पर जो आएगा पाँच बिंदु, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आसान भाषा में बता देते हैं
कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बिंदु की संख्या, बिंदु की यहाँ पर लिख देते हैं, बिंदु की संख्या को गिनती करें, बिंदु की संख्या को गिनती करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदु की संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं को गिनती करें, यहाँ पर बिंदु पर चला है जैसे आठ हुआ फिर सात हुआ, अरे टोटल सब बिंदु को आप काउंट कीजिए ना, तो इस तरीके से आप चलिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फिगर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सा फिगर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, उसने बिंदु जितना भी जो दिख रहा है छोटा छोटा बिंदु जो प्रयोग किया है, इस तरीके से यहाँ पर निकला है ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अनुपस्थित अपद का पता लगाइए, ये जो यहाँ पर डैश दिया है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए बता देते हैं हुआ क्या है, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने आर है, फिर ए है, फिर हम लोगों का एम और क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है, तो इसको क्या लिखा है इसी जगह कर देते हैं। देखिए एम है, उसके बाद ए, उसके बाद आर और क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर एस है, उसके बाद आई, उसके बाद टी और क्या है दोस्तों ए है, यानी इसका संबंध इस प्रकार से दिया है, तो इसका संबंध आपसे पूछा गया। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, इस तरीके से उसने दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक उसके बाद इसको मान लेंगे दो और ये हो जाएगा दोस्तों तीन और इसको मान लेंगे चार, तो उसने क्या किया एम को आगे लिखा यानी तीन हो जाएगा, फिर ए तो ए है यानी कि तीन, उसके बाद दो, उसके बाद आर तो आर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एक, ठीक है, उसके बाद अच्छा दो बार यहाँ पर ए, हाँ तो कोई बात नहीं, दो बार अगर ए का प्रयोग किया है तो कोई बात नहीं, एक बार हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों चार वाला, क्योंकि अगर हमने दो वाला यहाँ पर प्रयोग कर दिया तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से उसने लिखा, तीन लिखे उसके बाद अगर यहाँ पर तीन के बाद हम लोगों का एम के बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों ए लिख रहे हैं, तो ठीक है मान के चले कि इस तरीके से हम लेते हैं, पहले होता है कि नहीं देखते हैं, एक के बाद क्या कर दिया चार कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों चार कर दिया, तो उसी प्रकार से अगर इसको ले लेते हैं एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर देखिए पहले आपको सोचना होगा क्या उस तरीके से होता है कि नहीं होता है। मान के चलिए कि पहले आपने तीन लिखा, तो तीन लिखा था हम लोगों के सामने टी से स्टार्ट होगा, फिर लिखे थे आपने दो, तो टी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, तो ठीक है सर टी के बाद आई ले लिए, दो वाला ले लिए, उसके बाद अगर एक लेते हैं तो टी आई एस, तो ठीक है टी आई एस हो गया, उसके बाद हमने चार को लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों चार, जिस प्रकार से वहाँ पर लिए कि यानी कि तीन दो एक चार, तो यहाँ भी वही कहानी करना होगा, तीन उसके बाद दो उसके बाद एक और क्या दोस्तों चार, तो देखिए ना हो रहा है कि नहीं, और वैसा ऑप्शन को भी देखना है कि टी के बाद आई उसके बाद ऐसे, तो हमेरा देखिए तीन पे टी है, आई यानी दो लिए, फिर एक पे क्या है दोस्तों एस और चार पे ए, तो टी उसके बाद आई ऐसे, तो टी आई उसके बाद हम लोगों का टी आई, हाँ तो ऑप्शन नंबर फोर को देखिए दोस्तों हूबहू मिल रहा है, यहाँ पर मिल गया ऑप्शन कि टी आई उसके बाद एस ए, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बेसिक बात को समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों टी आई एस ए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से, तो कह रहा है कि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स की जो एक्स ही, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स ही जो है मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, तो वाई एक्स का डैश है, देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया है प्रश्न को, लेकिन एकदम आपको बेसिक बात बता दें कि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, यानी वाई क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है कि एक्स ही, यानी वाई कह रहा है तो वाई कहने वाला पर्सन है, तो वाई को इस जगह पर कर लिए, तो वाई कहता है कि एक्स ही जो है मेरी माँ, यानी एक्स ही जो है दोस्तों मेरी माँ के एकमात्र बेटे, यानी मेरी माँ के क्या दोस्तों एकमात्र बेटे का पुत्र है। यहां पर देखिए एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, वाई कह रहा है दोस्तों, वाई कहा कि एक्स जो है, तो ठीक है सर एक्स इस जगह पर लिखते हैं मेरी माँ, तो ठीक है मेरी माँ, तो इस जगह वाई की क्या दोस्तों माँ कर लेते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक्स ये जो है मेरी माँ के एकमात्र बेटे, यानी मेरी माँ के क्या दोस्तों एकमात्र बेटे का पुत्र है, अच्छा बेटे मेरी माँ के एकमात्र बेटे का क्या है दोस्तों पुत्र है, तो वाई एक्स का कौन हो जाएगा, तो वाई एक्स का यहाँ पर कौन हो जाएगा,
तो देखिए यहाँ पर आप जैसे दिया गया दोस्तों कह रहा है कि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, यानी एक्स ही जो है दोस्तों मेरी माँ के एकमात्र बेटे का क्या है दोस्तों पुत्र है, तो वाई एक्स का क्या है। तो ये देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, यानी एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, यानी वाई क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तो वाई को यहाँ पर लिख दिए, वाई कहता है कि एक्स ही जो है मेरी माँ के, यानी वाई कह रहा है यहाँ पर लिखा है वाई कहता है एक्स ही जो है मेरी माँ के, तो वाई की क्या हो जाएगा दोस्तों माँ। इस लाइन पे गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मेरी माँ के एकमात्र बेटे, तो एकमात्र बेटा कौन हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा मेरी माँ के एकमात्र, यानी कि इसका जो है खुद ये क्या हो जाएगा दोस्तों बेटा हो जाएगा। ये देखिए ई क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बेटा हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, ये क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा, कह रहा है एकमात्र बेटे का पुत्र है, यानी इसका क्या है दोस्तों पुत्र है कौन, तो एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों इसका कौन हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स इसका क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। तो देखिए उसने क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों के सामने, कह रहा है कि वाई एक्स का है, तो वाई एक्स का कौन लगेगा दोस्तों, तो वाई एक्स का कौन हो जाएगा पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात को समझ लीजिए, यहाँ पर बोला है वाई कहता है कि मेरी माँ के एकमात्र बेटा, देखिए एकमात्र बेटा का पुत्र है, यानी बेटा का पुत्र है, तो यानी वाई जो है दोस्तों एक्स का कौन लगेगा, अरे वाई जो है ये एक्स का कौन लगेगा तो पिता हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कैलेंडर से सवाल दिया गया है, तो चलिए कैलेंडर के सवालों को कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और रोक लीजिए और अपने से ट्राई करके देखिए क्या आपसे कैलेंडर के सवाल बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तो देखिए चलिए अब हम बताते हैं उसने क्या कहा है दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए कि 15 और हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों फरवरी, इस जगह पर लिख लिया जाए कि 15 फरवरी, तो 15 फरवरी उसने कहा क्या है, क्या कहा है कि 15 फरवरी, इस जगह पर थोड़ा सा गैप, हाँ अब ठीक है यहाँ पर हो गया। कह रहा है कि 15 फरवरी 2018, तो यहाँ पर लिख लिए दोस्तों 2018 को हम लोगों के सामने क्या है गुरुवार है, तो यहाँ पर हमने छोटा सा लिख दिया क्या हो जाएगा दोस्तों गुरुवार। यहाँ पर जैसे ही हमने लिख दिया कि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों गुरुवार, तो ठीक है यहाँ पर क्या है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार दिया गया है, गुरु थोड़ा अच्छे से लिखना होगा यहीं पे, तो दिक्कत है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरुवार, हाँ ताकि समझ में आना चाहिए ना, हाँ गुरुवार। अब देखिए तो 15 फरवरी को दिया, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग क्या आएंगे दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी इस जगह पर लिख देते हैं कि 15 फरवरी, देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि 15 फरवरी, क्या लिखेंगे दोस्तों 15 फरवरी 2019, तो 2019 में आएंगे तो हम लोगों के सामने एक दिन क्या होता है दोस्तों बढ़ जाता है। तो देखिए गुरु के बाद यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का शुक्रवार हो जाएगा, यानी कि गुरु एक दिन बढ़ जाता है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्रवार हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का शुक्रवार होगा। देखिए अगर साल में एक दिन का वृद्धि हो रहा है, जैसे 15 फरवरी हम लोगों का 2018 से 15 फरवरी 2019 में आएंगे, तो एक दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों वृद्धि होगा, ठीक है। तो 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 15 फरवरी 2019 को क्या हो जाएगा शुक्रवार हो गया, ठीक है। तो यहां तक यदि हम लोग पहुंच गए शुक्रवार, एक दिन ही हमेशा रखेगा साल में अगर वृद्धि, अगर यही लीप वर्ष रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों दो दिन का वृद्धि हो जाता है, क्योंकि फरवरी एक दिन वहां पर बढ़ जाता है, इस वजह से। तो देखिए हम लोग यहां तक आ गए, तो 15 फरवरी तक तो आ गए, तो अब जो दिन बचा है दोस्तों उस दिन को ले लेते हैं, तो फरवरी के मैंने, क्योंकि आना है कहाँ 18 अप्रैल 2019 तक आना है, तो हमने 15 फरवरी तक आ गया, तो फरवरी में और बचा कितना दिन दोस्तों, फरवरी में हम लोगों का बचा 13 दिन, क्योंकि फरवरी 28 दिन का होगा, क्योंकि ये सब तो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष थोड़ी है, तो 28 दिन में 15 दिन दे दिए, तो 13 दिन बचा हम लोगों का फरवरी का, तो 13 दिन लिख दिए। फरवरी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों मार्च हो जाएगा, तो मार्च 31 दिन को होगा, मार्च के बाद अप्रैल में तो जाना ही 18 को, तो 18 तक आ गए, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जा रहा है, 8 1 9 3 12 करी 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, तो
तो इधर हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 62 हो गया। तो यही 62 में आप क्या कीजिए दोस्तों, 7 से भाग लगा दीजिए। देखिए लॉजिक जो बताया उसी पे चलिए, 7 से जैसे ही 62 में क्या कर देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, तो हम लोगों का 7 × 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 जैसे ही कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो सर यहाँ पर हो जाएगा 4 × 2 = 6, यानी कि हम लोगों का क्या बचा, शेष 6 बचा। यहाँ पर शेष कितना बचा दोस्तों, इधर यहाँ पर लिख देते हैं कि शेष, तो शेष हम लोगों का 6 बचा। तो वही अब 6 दिन क्या कीजिए दोस्तों, शुक्रवार में जोड़ दीजिए। तो जैसे ही शुक्रवार जो ईद आया दोस्तों, इसमें आपको 6 दिन जोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए शुक्र के बाद 6 दिन जोड़ेंगे, तो शुक्र के बाद हो जाएगा शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी वही आ जाएगा, गुरुवार ही आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, आप रटिएगा तो नहीं होगा, हमने बिल्कुल बेसिक बात बता दिया। ई बात इतना सा समझिए कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार उसने दे दिया, लेकिन 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, तो गुरुवार है सर, वो बात तो उसने वहां पर लिख ही दिया है। तो हमसे कह रहा कि आप जब आएंगे 18 अप्रैल 2019 को, तो आप 15 फरवरी तक ही आइए ना, तो 15 फरवरी 2019 तक आए तो एक दिन साल में वृद्धि होता है, क्योंकि साधारण वर्ष है। तो एक दिन का जब वृद्धि हो गया, तो गुरु से शुक्र हो गया, अब जितना दिन बचा है अप्रैल तक जाने में, तो फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, तो 28 में से हम लोगों का 15 फरवरी तक हो गया 13 दिन फरवरी। ये जो यहाँ पर दिन लिखे हैं दोस्तों, ये फरवरी का है, बस इतना सा बात समझिएगा कि ये जो हमने लिखा है दोस्तों, ये किसका लिखा है, फरवरी का 13 दिन। फरवरी के बाद ये हो जाएगा दोस्तों मार्च, ये क्या हो जाएगा मार्च, और ये वाला दिन जो 18 लिखे, ये तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अप्रैल का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल बेसिक बात से जोड़ दिए। तो इसमें 7 से भाग क्यों लगाते हैं, कि 7 दिनों के दिन रिपीट करता है, इसीलिए जो शेष बचा वही जोड़ दीजिए। तो शेष जैसे ही शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, तो समूह से भिन्न यानी एक अलग है दोस्तों, इनमें से वही बात आपको बता देना है। तो ये देखिए आप डायरेक्ट कह सकते थे कि यहाँ पर सर हम लोगों के सामने ई हो गया, उसके बाद आई हो गया, कोमा लगा दीजिए, ई आई, उसके बाद ओ, तो ये सभी यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सभी हम लोगों का स्वर वर्ण है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, स्वर वर्ण है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, भावेल है। लेकिन यहाँ पर पी जो है ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि पी क्या है, व्यंजन वर्ण है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ए वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में दिया गया है, इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। अरे ए वाला सही हुआ, तो ए वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये कथन और निष्कर्ष वाले, तो कई बार पूछा गया कुछ बड़ई जो है प्लम्बर है, तो यहाँ पर लिखते हैं इस जगह पर कुछ बड़ई हम लोगों के सामने लिखा है प्लम्बर, तो ठीक है सर, कुछ बड़ई का हिस्सा क्या हो जाएगा, प्लम्बर। तो इस जगह पर थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं प्लम्बर, तो ठीक है प्लम्बर हो गया। उसके बाद उसने कहा है दोस्तों कि हम लोगों का कुछ प्लम्बर जो है दिहाड़ी मजदूर है, तो इधर इस साइड में कर देते हैं, वहां पर तो अटेगा ना, इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिहाड़ी मजदूर क्या हो जाएंगे, दिहाड़ी और मजदूर। तो इस जगह पर हमने लिख दिया दिहाड़ी मजदूर, तो ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ हिस्सा ले जाकर आप क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, बस आपका निकल गया। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, दिहाड़ी यहाँ पर लिखना है, तो इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा, दिहाड़ी। हाँ, तो दिहाड़ी मजदूर हो गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ प्लम्बर बढ़ई है, तो देखिए कुछ प्लम्बर का हिस्सा बढ़ई में है कि नहीं, तो कुछ प्लम्बर बढ़ई है, तो ये बात तो बिल्कुल, देखिए कुछ हिस्सा हम लोगों का यहाँ पर है, तो ये वाला बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर, तो दिहाड़ी मजदूर का भी कुछ हिस्सा देखिए प्लम्बर वाला हिस्सा में है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोनों इस प्रश्न का अनुसरण करता है, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिया गया है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए प्रश्न और कथन वाला दिया गया है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया गया है,
कि पांच व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा लिखे हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीसीएस ने इस तरीके के प्रश्न को, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि उसने नहीं छोड़ा होगा, प्रश्न कथन, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, पूर्वानुमान, तर्क वाला, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने, अभी आप वीडियो के अंत तक रहिएगा तो सब क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो देखिए उसने क्या कहा है दोस्तों यहाँ पर, कि पांच व्यक्ति पी क्यू आर एस टी किसी पंक्ति में क्या है, मध्य में खड़े हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पांच व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी किसी पंक्ति में खड़े हैं, तो पंक्ति के मध्य में कौन है, यही सवाल आपसे पूछा है कि बीच में कौन आएगा। अब यहाँ पर कथन दिया गया, तो चलिए उठाते हैं कथन। कह रहा है टी के बाईं ओर क्यों है, तो इस जगह पर टी लिख लिए दोस्तों, तो टी के क्यू टी के बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि कौन साइड हो जाएगा, तो ई साइड हो जाएगा। पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि ई साइड में आपका क्या लेना है दोस्तों, दायां लेना, ये फिक्स है। और ई साइड में जो आता है, ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। तो ठीक है, वही कह रहा है टी के बाईं ओर, तो टी के बाईं ओर क्या हो गया, क्यू हो गया। फिर कह रहा है पी और टी के मध्य में एस है, यानी पी और टी, देखिए पी और यहाँ पर टी के मध्य में क्या है दोस्तों, एस है। यहाँ तक बैठा दिए, दोनों कथन का प्रयोग किए। तो अब देखिए हम लोगों का एक व्यक्ति तो छूट रहा है, यानी आर जो है, आर देखिए कहीं पर हम लोगों का बैठा क्या नहीं बैठा, तो आर को कहां बैठा देंगे, आर यहां बैठा दें या आर यहां बैठा दें, ये दोनों का, ये दोनों की जगह तो हम लोगों का क्लियर नहीं है। यानी सर आर कहां बैठेगा पता ही नहीं चल रहा है, इधर भी बैठ सकता है आर, इधर भी, आर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो जब बोला ही नहीं तो फिर होगा कैसे इस प्रश्न का आंसर, तो नहीं निकल पाएगा। यानी आर के बारे में उसने कुछ जिक्र ही नहीं किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो कथन एक और ना ही दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। बस ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आप यदि आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो एक ना तो दो, क्यों, क्योंकि आर के बारे में उसने जिक्र नहीं, आर यहां भी बैठ सकता है सर, आर यहां भी बैठ सकता है, तो बीच में अगर इधर से लेंगे तो फिर एस हो जाएगा, अगर उस साइड में लेंगे तो फिर टी आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर ना तो एक ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दो इस प्रश्न का आंसर यानी उत्तर देने के लिए है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से फिगर वाले दिए गए हैं, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए फिगर वाला होता है क्या। इनके जैसे ही घोड़ा को क्या कह रहा है दोस्तों, टट्टू कह रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोगों का तितली लिखा है, तो तितली का संबंध क्या होगा, तो देखिए जो घोड़ा का बच्चा होता है दोस्तों, उसको हम लोग एक तरीके से क्या कहा जाता है, टट्टू कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो तितली होता है दोस्तों, उसके यानी उससे संबंधित पूछा गया, जैसे घोड़ा का संबंध लिखा है टट्टू, तो उसी प्रकार से तितली का क्या होगा, तो देखिए तितली का जो बच्चा होता है दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कैटरपिलर कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं हर क्वेश्चन आपको आते ही आता ही है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो न्यू टाइप के आते हैं, तो वो सब क्वेश्चन आपको सीखना होगा, यदि आप स्किप करेंगे तो फिर हर दिन स्किप करना ही पड़ जाएगा। तो घोड़ा का संबंध टट्टू यानी कि एक तरीके से बच्चे से संबंधित है, उसी प्रकार से तितली का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, कैटरपिलर से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। कह रहे वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन सा वर्ष के समान होगा, तो चलिए यहाँ पर तो लॉजिक क्या रट के रखा है बहुत सारा स्टूडेंट, यही कि सर यहाँ पर इधर के लॉजिक क्या रटा है कि वर्ष, और लगभग यहाँ पर हमने हर एक चैनल और हम तो हद देखते रहते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, वर्ष में यहाँ पर क्या रहेगा, वर्ष में चार से भाग देने पर, वर्ष में चार से यहाँ पर लिख देते हैं भाग देने पर, भाग देने पर लिख दिए दोस्तों, वर्ष में चार से भाग देने पर शेष, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा कि शेष, वर्ष में चार से भाग देने पर शेष, यदि हम लोगों के सामने शेष कितना कितना, शेष एक बचे, यानी कि शेष या तो दो या क्या दोस्तों हम लोगों का तीन बचे, या हम लोगों के सामने जीरो बचे, यही शेष बचेगा, शेष एक बचेगा, दो तीन बचेगा या जीरो, तो इन सभी में आपको क्या जोड़ना है, इस प्रकार से कहा जाएगा कि सब में क्या जोड़ना होता है। देखिए तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बचेगा तो प्लस 6 जोड़ दीजिएगा, दो तीन बचेगा तो आप 11 जोड़ दीजिएगा, और जीरो बचेगा तो क्या जोड़ दीजिएगा दोस्तों, 28 जोड़ दीजिएगा। तो ये बात तो सही है कि ठीक है, अगर ऐसा बचेगा तो हम लोग ऐसा जोड़ देंगे कि वर्ष में चार से भाग देने पर, ये ट्रिक ही है, ये ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना होगा कि वर्ष में चार से भाग देने पर यदि शेष हम लोगों के सामने एक बचे, दो या तीन बचे या जीरो बचे, तो इस तरीके से जोड़ा जाता है, यानी कि 6 जोड़ेंगे फिर 11 जोड़ेंगे फिर 28, इस सब में प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस जगह पर भी प्लस हो जाएगा, यानी 11 जोड़ते हैं। तो चलिए ये लॉजिक तो आपने रट के रखा है, तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं सवाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चार से जैसे हम लोगों का 2020 लिखा है, तो 2020 में
हटाइए, इसी जगह देते हैं बढ़िया रहेगा, यानी इस जगह पर देते हैं। हाँ, चार से हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, 2020 में भाग दे देते हैं। तो जैसे ही आप भाग दीजिएगा, देखिए शेष क्या आ रहा है, ये बात आपको सोचना होगा। तो चार से जैसे ही भाग देंगे तो चार पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 20। हम लोगों को शेष से मतलब है, ये तो कट गया तो यहाँ पर उतरा 20, तो 20 जैसे उतार दो अंक उतारेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा, फिर चार पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ठीक है, 20 हो गया। तो यहाँ पर देखिए शेष जब, यानी कि कुछ नहीं सब कट गया, तो शेष यहाँ पर लिख सकते हैं कि शेष क्या बचा दोस्तों, जीरो बचा। इस जगह पर क्या बचा, यहाँ पर लिख दीजिए शेष हम लोगों के सामने जीरो आया, शेष क्या बचा, जीरो आया। अब देखिए लॉजिक लगाए कि शेष अगर जीरो बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे। तो ठीक है सर, 28 तो हम लोग जोड़ देंगे, तो ये देखिए 28 यहाँ पर जोड़ते हैं तो होगा, यानी 2020 में जैसे अब हम लोग 28 जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें 28 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जा रहा है, तो सर 48 आएगा। तो 48 है क्या, नहीं, तो फिर आपको 28 जोड़ देना होगा, यानी इसी तरीके से उसने रिपीट कर दिया, 28 जोड़ेंगे। ये सब बात बेसिक बात है, ये सब बात आपका बेसिक है, यहाँ भी इधर बेसिक है। देखिए 28 जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 हम लोगों का, यानी 48 हो जाएगा। फिर इसमें भी आपको क्या करना होगा, 28 जोड़ देना होगा, इसमें भी आपको क्या करना है, 28 जोड़ देना। तो जैसे ही 28 जोड़ दीजिएगा तो आपका 8 8 16 4 2 6, यानी हम लोगों का 2000 क्या आ जाएगा दोस्तों, 76 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक बात बता दी, किसी भी टाइप के क्वेश्चन, अब रिपीटेशन का कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा। हमने अब जितना भी क्वेश्चन आप 2020 18 16 15 कोई भी वर्ष लीजिए और लॉजिक लगाइए, वर्ष में चार से भाग देने पर शेष एक बचेगा, 6 जोड़ देना है, 2 3 बचेगा तो 11, 0 बचेगा तो 28। तो यहाँ पर जब 28 जोड़ेंगे तो 2048 तो ऑप्शन में, तो फिर आपको 28 जोड़ना होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। जब देख रहे हैं 28 जोड़ने के बाद 48 ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर 28 जोड़ना होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कथन और निष्कर्ष वाले। यहाँ पर कहा जा रहा है कि IIM IIT उसके बाद IISC जैसे प्रमुख संस्थान यहाँ पर लिखा है संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत में अधिक वेतन मिलता है। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या दिया है कि भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के भुगतान बराबर करना चाहिए। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि बराबर करना चाहिए, यहाँ का जब देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हम लोगों का उतना मजबूत नहीं है, तो उतना वेतन हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो वही बात तो कह रहा है कि IIM IIT और IISC जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत में अधिक वेतन मिलता है। ये बात कहाँ है, मिलता है वेतन मिलता है ये कह रहा है, लेकिन कह रहा है भारत में कंपनी और विदेश में कंपनियों को बराबर भुगतान करना चाहिए। बराबर के बारे में कहीं कथन में जिक्र ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे, तो ये बात गलत हो जाएगा। कह रहे इन संस्थानों के छात्रों को विदेश जाने पर रोक लगा देना चाहिए, ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि रोक लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए इसके बारे में, इन दोनों जो निष्कर्ष दिया है इसके बारे में कथन में इस तरह का बात कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि बराबर वेतन दीजिए या आप रोक दीजिए, विदेश नहीं जाने दीजिए, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो एक और ना तो क्या दोस्तों, दो अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर दिए हैं, देखिए बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए इस साइड में लिख दिया है, यहाँ पर हमने प्रश्न को रखा और इस साइड में आंसर को रख दिया। तो घबराइए नहीं कि इसी टाइप का, ये तो कंप्यूटर में देखेगा एकदम नीचे, क्योंकि कंप्यूटर का स्क्रीन थोड़ा रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका, बस क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और गलती होगा। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब चार में से तीन समान है, जैसे देखिए वायु है, मिश्र धातु है, उसके बाद दूध है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, पानी लिखा है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक अलग है, यानी कि चार में से तीन समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो दिया है दोस्तों हम लोगों का वायु को दिया है, और किस तरीके से दिया है कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, वायु को महसूस करते हैं, वायु को क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, बाकी इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, छू सकते हैं,
महसूस करते हैं। तो इस तरीके से दिया था इस प्रश्न का आंसर। देखिए मिश्र धातु हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी ये सभी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वायु को क्या कहा जाता है, नहीं देख सकते बल्कि महसूस करते हैं कि हाँ हवा चल रही थी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही कहा गया निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, विषम का मतलब चार में से तीन समान, तो तीन समान है, मिश्र धातु हो गया, पानी हो गया, दूध, ये सभी को हम लोग छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन वायु को क्या नहीं देखते हैं बल्कि महसूस करते हैं कि वायु चल रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सीधा सा कहा जाए तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है तर्क और अनुमान वाले। तो हमने कहा है कि आपके जितने भी TCS ने करवाए या जो भी एजेंसी कंडक्ट कराए, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन हर एक एजेंसी से लिए जो प्रीवियस में क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए तर्क दिया है कि भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव के सभी विद्यालय को एक सप्ताह बंद रखने का आदेश दिया है, ठीक है, ये बात हम लोगों का तर्क में दिया है। अनुमान देखिए कह रहा है शीतलहर एक सप्ताह तक जारी रह सकती है, तो देखिए अनुमान क्या होता है दोस्तों, जो अनुमान दिया है ना ये वाला बात इसमें इस तर्क में खोजते हैं, ये भी अनुमान जो है ये वाला इधर चलते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष अलग चीज है और अनुमान क्या है दोस्तों अलग, कथन अलग क्या करते हैं, कथन से हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में, लेकिन अनुमान वाले में क्या करते हैं, अनुमान को लेकर चलते हैं हम लोग तर्क पे। क्या इस तरीके की बात का जिक्र हुआ, देखिए उसने अब यहां पर दोनों बात को देखते हैं कि शीतलहर एक सप्ताह तक जारी रह सकता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों इसके बारे में जिक्र है कि भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालय को एक सप्ताह, इधर यहां पर लिखा एक सप्ताह बंद रखने का आदेश दिया, तो शीतलहर एक सप्ताह तक जारी रह सकती है, उसने ये भी बोला है सकती है, यानी एक तरीके से संभावना दिया, पॉसिबिलिटी दिया, ये बात सही होगा। कह रहा है चिंतित माता पिता अपने बच्चों को एक सप्ताह के बाद स्कूल शायद नहीं भेजेंगे, तो ये बात हम नहीं कर सकते, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे माँ बाप के बारे में ये सब हम लोग यहाँ पर अनुमान नहीं निकल पाएगा, उसके बारे में वहाँ पर वैसा अनुमान देखिए तर्क में निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि केवल अनुमान एक निहित है। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दोनों सही करने लगते हैं, एकदम सरासर गलत होगा। ये कैसे आप कह सकते हैं कि चिंतित माता पिता अपने बच्चे को एक सप्ताह के बाद स्कूल शायद भेजें नहीं भेजेंगे, हो सकता है भेज भी दे, तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं निकाल सकते हैं, वो बात तर्क में नहीं दिया गया, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।